नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ऑडियो बुक के बारे में, जो आपकी सोच और जीवन को बदलने का एक अद्भुत तरीका प्रस्तुत करता है। इस ऑडियो बुक में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी पसंदीदा पुस्तकों में से एक, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करती हैं। लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करतीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और सही तकनीक का उपयोग नहीं करते। हमारी प्रार्थनाएं हमारे आंतरिक विश्वासों और मानसिक छवियों या विचारों का जवाब देती हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी इच्छाएं प्रार्थनाओं की तरह होती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को समझ लेते हैं तो आपका जीवन जादू की तरह बदल सकता है। यह किसी के साथ भी हो सकता है जो यह सीख लेता है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन में हमारी कल्पना से परे अविश्वसनीय शक्तियां होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य नहीं? कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं जबकि अन्य गरीब होते हैं? कुछ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा क्यों होता है जबकि अन्य अक्सर बीमार रहते हैं? अगर आपने खुद से ये सवाल पूछे हैं तो यह सारांश आपके लिए है। आइए अपने अवचेतन मन की असली शक्ति का विस्तार से पता लगाए। अध्याय एक, आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर एक विशाल खजाना छिपा है, आपको इसे देखने के लिए बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। एक लोहे की छड़ की कल्पना करें, यदि इसे चुंबकित किया जाए तो यह अपने वजन से ज्यादा उठा सकती है, लेकिन चुंबकत्व के बिना यह एक पंख भी नहीं उठा सकती। यही बात लोगों पर भी लागू होती है। आत्मविश्वासी चुंबकित लोग अपने बोझ को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, जबकि आत्मविश्वास की कमी वाले लोग संघर्ष करते हैं। इन समस्याओं का उत्तर आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। यदि आप अमीर और सफल बनने की गहरी इच्छा रखते हैं और अपने दिल में यह इच्छा रखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। तो अवचेतन मन क्या है? यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो सांस लेने, दिल की धड़कन और रक्त परिसंचरण जैसी अचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यदि यह आपको जीवित रख सकता है तो यह आपकी गहरी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना हो या एक प्रमुख व्यापारिक नेता। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजना सीख जाते हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन, जो आपके शरीर को नियंत्रित करता है, आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कई सफल लोग अपने मन की आवाज सुनने की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपने अवचेतन मन को अपना सहयोगी बनाना। विचार करें कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए। अपने अवचेतन मन को समझकर और नियंत्रित करके आप भी महान चीजें हासिल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक लक्ष्य लिखते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति से इसे पूरा करने में सक्षम होते हैं। आप इस शक्ति का उपयोग करके अपना ध्यान और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और कठिन परीक्षाओं में भी सफल हो सकते हैं। मन को समझने के लिए इसे दो भागों में सोचें, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तार्किक है और आपके नियंत्रण में है, जो आपके मस्तिष्क का 10% हिस्सा बनाता है। अवचेतन मन, जो अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है और आपके मस्तिष्क के 90% हिस्से को नियंत्रित करता है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। कई लोग केवल अपने चेतन मन का उपयोग करने की गलती करते हैं। दूसरी ओर सफल लोग अपने चेतन और अवचेतन मन दोनों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क की क्षमता का 100% उपयोग करते हैं, जबकि संघर्ष करने वाले केवल 10% का उपयोग करते हैं। अपने अवचेतन मन का उपयोग करना सीखकर
आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय दो, आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका चेतन मन आपकी पांच इंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करता है और अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। इसके विपरीत आपका अवचेतन मन निर्णय नहीं लेता, यह आपके पिछले विश्वासों, अनुभवों और आदतों के आधार पर कार्य करता है। सुझाव की शक्ति, आपका अवचेतन मन सुझावों के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। इसे इस तरह से सोचें, यदि आपका अवचेतन मन एक विशाल जहाज है तो आपका चेतन मन कप्तान है जो आदेश देता है कि कहां जाना है। आपका चेतन मन तर्क और तर्क का उपयोग करके गलत जानकारी को फिल्टर करता है और केवल सही जानकारी आपके अवचेतन मन तक पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो एक महान गायिका थी, मंच के डर से जूझती रही और एक बार प्रतियोगिता के दौरान असफल हो गई। उसने सकारात्मक पुष्टि का उपयोग किया, बार बार खुद से कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी। इस विचार को लगातार पुष्ट करके उसने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। यह दर्शाता है कि आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और सभी उत्तर रखता है। आदतन सोच का मतलब है कि आपके दैनिक विचारों के पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं। यही कारण है कि नई आदतें बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपने सुना होगा कि सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक विचार सोचना फायदेमंद हो सकता है। यह खुद को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। मोबाइल गेम में किरदारों को डिजाइन करने की तरह आप अपने लिए एक नया किरदार डिजाइन कर सकते हैं। जब आपका चेतन और अवचेतन मन अच्छी तरह से बातचीत करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। दोनों दिमागों का एक साथ इस्तेमाल करना सीखकर आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में, हमारे जीवन में दो दुनियाएं हैं, आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया में हमारे विचार और विश्वास शामिल हैं, जबकि बाहरी दुनिया में हमारे दोस्त, परिवार और पर्यावरण शामिल हैं। अक्सर हम एक बात सोचते हैं और दूसरी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुन सकते हैं और वह आपके दिमाग में अटक जाता है। यह आपकी आंतरिक दुनिया है जो काम करती है। दूसरी ओर, बाहरी दुनिया वह जगह है जहां हम बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं, जैसे कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, या मुझे पदोन्नति क्यों नहीं मिली, मेरी किस्मत खराब है। हालांकि जो लोग अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया दोनों को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, वे सफल होते हैं। ये लोग अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और सचमुच खुश रहते हैं। अध्याय तीन, आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। आपका अवचेतन मन आपके लिए चमत्कार कर सकता है। जब हम दिन भर के बाद आराम करते हैं और सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे काम करता है, जिससे आपका दिल धड़कता रहता है और आपका शरीर काम करता रहता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है, जो समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। यह आपके सभी दुखों और दर्द को अभी खत्म कर सकता है। यहाँ एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण दिया गया है। आपने शायद सम्मोहन के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, उन्हें कुछ खास तरीकों से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप YouTube पर TEDx Hypnotism जैसे वीडियो पा सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे विशेषज्ञ लोगों को नियंत्रित करने के लिए अवचेतन मन के साथ खेलते हैं। वे इस तरह से मंच पर प्रदर्शन करके बहुत पैसा कमाते हैं। अब आइए जानें कि क्या हमारा अवचेतन मन बीमारियों को ठीक कर सकता है। हाँ, यह बिल्कुल कर सकता है। जब सबसे अच्छे डॉक्टर और उन्नत उपचार विफल हो जाते हैं, तब भी अवचेतन मन चमत्कार कर सकता है। यहाँ एक अविश्वसनीय कहानी है। एक अमीर आदमी विमान दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गईं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उनका मानना था कि वह कुछ दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगा। हालांकि
वह व्यक्ति क्रिसमस तक ठीक हो जाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने खुद को क्रिसमस के दिन अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा और 8 महीने तक दिन रात अपने मन में इस सकारात्मक विचार को बनाए रखा। उसके अटूट विश्वास और सकारात्मक रवैये के कारण वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया और क्रिसमस के दिन वह अस्पताल से बाहर निकल गया। यह अवचेतन मन की शक्ति है। आप गूगल पर चमत्कारी आदमी मॉरिस गुडमैन की कहानी सर्च करके उसकी कहानी पढ़ सकते हैं। अब आइए जानें कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें। हर शक्तिशाली चीज में एक कमजोरी होती है और अगर हम इसे समझ लें तो हम अपने मन को कंप्यूटर को हैक करने की तरह हैक कर सकते हैं ताकि मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकें। अपने अवचेतन मन को संदेश भेजने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद है। आपने यह सलाह पहले भी सुनी होगी। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सोने से पहले आखिरी 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है, जबकि दिन के समय यह 75% होता है। अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम करने के लिए इन अंतिम 5 मिनटों का उपयोग करें। अपना संदेश कागज के एक टुकड़े पर लिखें, इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें और इसे रिपीट मोड में डालें। फिर अपने दिमाग को शांत करने के लिए 10 गहरी सांसें लें और सोना शुरू करें। ईयरफोन के साथ अपनी रिकॉर्डिंग सुनें और अपने संदेश को गहनता से कल्पना करें जब तक कि आप सो न जाए। अगले दिन आप देखेंगे कि आपने कल रात जो संदेश प्रोग्राम किया था वह पूरे दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है। विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि अवचेतन मन भावनाओं को समझता है, तर्क को नहीं। आप जो भी कल्पना करते हैं आपका अवचेतन मन उसे सच मानता है क्योंकि यह किसी भी चीज पर सवाल नहीं उठाता। यह एक बच्चे की तरह है जो वही करता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी मनचाही चीज हासिल करने के लिए अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन काल में लोग मानसिक उपचार का अभ्यास कैसे करते थे और जल्दी ठीक हो जाते थे? वे एक सरल 3 चरणीय सूत्र में विश्वास करते थे, मांगो, विश्वास करो और पाओ। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें, विश्वास करें कि आपके पास पहले से ही वह है और ऐसा महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही आपका है। यह सूत्र सरल लगता है, मांगो, विश्वास करो और आपको मिलेगा। क्या आपको विमान दुर्घटना में बच गए चमत्कारी व्यक्ति की कहानी याद है? उसने अपने अवचेतन मन और इस 3 चरणीय सूत्र का उपयोग किया। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसकी कल्पना करनी चाहिए। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन दृढ़ता के साथ आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब आइए आधुनिक मानसिक उपचार तकनीकों का पता लगाएं। अनुपस्थित उपचार का अर्थ, लॉस एंजल्स में एक महिला कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी और वह जेल में नहीं मरना चाहती थी। उसने प्रार्थना की, यह विश्वास करते हुए कि उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है और जब तक उसकी माँ उसके साथ है वह बीमार नहीं पड़ सकती। उसका शरीर उसके विचारों के अनुसार प्रतिक्रिया करता था और उसे विश्वास था कि यदि वह अपने विचार व्यक्त करेगी तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। कुछ ही हफ्तों में वह ठीक हो गई, मानो वह कभी बीमार ही न हुई हो। यदि आप अपनी माँ को एक दिव्य व्यक्ति मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, जिससे आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। यह विश्वास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अवचेतन मन की गतिज क्रिया को मुक्त करना, आपने आभा सफाई के बारे में सुना होगा। यदि नहीं तो यहाँ एक व्याख्या है। आभा सफाई एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। ऐसे आभा सफाई चिकित्सक हैं जो ग्राहकों को दर्द से राहत दिलाने और उनकी आभा को साफ करने में मदद करने के लिए एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। इन प्राचीन और आधुनिक मानसिक उपचार तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी भलाई को बेहतर बनाने और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
अध्याय 5 मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। एक पासिंग ओवर तकनीक, जब आप सचेत रूप से अपनी इच्छाओं को स्वीकार करते हैं जो तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन इन अनुरोधों को आपके अवचेतन मन को भेजता है। मैं जीवन में बहुत सफल हूँ या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ जैसे कथनों की बार बार पुष्टि करने से आपका चेतन मन अंततः खुल जाता है और यह जानकारी आपके अवचेतन मन को भेजता है। फिर आप इन मान्यताओं के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। 2. विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। फिर जैसे आप अपनी आँखों से चीजें देखते हैं, वैसे ही अपनी आँखें बंद करें और अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। इसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक वास्तविक जीवन का उदाहरण दिया गया है। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार की कल्पना सबसे पहले अपने मन में करते थे। फिर वह इसके विवरण को देखने के लिए छवि को 3D में मानसिक रूप से घुमाते थे। इसी तरह आपको अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करने की आवश्यकता है। 3. मानसिक मूवी विधि। कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसका मतलब है कि एक छवि की कल्पना करना अकेले शब्दों की तुलना में जटिल विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। आप वही बन जाएंगे जो आप कल्पना करते हैं। मानसिक मूवी विधि का उपयोग अक्सर संपत्ति बेचने वाले व्यवसाय में किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करती है। सबसे पहले अपने आप को यह विश्वास दिलाए कि आपने संपत्ति के लिए जो कीमत तय की है वह खरीदारों के लिए सबसे अच्छी है। फिर अपने मन को शांत करें और आराम करें, किसी भी चिंता को दूर करें। अर्धनींद की अवस्था में प्रवेश करें जो मानसिक सीमाओं को कम करने में मदद करता है। इसके बाद अपने हाथों में संपत्ति का चेक पकड़े हुए कल्पना करें। खुश और आभारी महसूस करें जैसे कि आपके पास पहले से ही पैसा है। कृतज्ञता महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग आभारी हैं वे अधिक प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग आभारी नहीं हैं, वे जो कुछ भी उनके पास है उसे खोने का जोखिम उठाते हैं। अंत में धन्यवाद व्यक्त करके अपने विजुअलाइजेशन को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। रात भर आपका अवचेतन मन इस विजुअलाइजेशन को बार बार दोहराता रहेगा, इसे आपके दिमाग में मजबूत करता रहेगा। अध्याय 6 अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। हमारा चेतन जीवन हमारे कुल अनुभव का केवल 10% ही दर्शाता है। हम अक्सर नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया में व्यस्त रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारा जीवन भयानक है। हालांकि यह पूरी तस्वीर नहीं है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी भावनाओं से अवगत होते हैं, लेकिन जब आप अपना ध्यान बाहरी दुनिया पर केंद्रित करते हैं तो आप इसकी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तपेदिक टीबी से पीड़ित व्यक्ति पर विचार करें। यह व्यक्ति एक सरल पुष्टि का उपयोग करके बीमारी पर काबू पाने में सक्षम था, मैं परिपूर्ण, शक्तिशाली, देखभाल करने वाला, खुश और पूर्ण हूँ। इस पुष्टि ने उनके ध्यान को बदलने में मदद की और उनके उपचार में योगदान दिया। अध्याय 7 वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें। आप जीवन में जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कल्पना करें कि आप एक टैक्सी में हैं और अपने गंतव्य को स्पष्ट रूप से बताए बिना ड्राइवर से दिशा बदलने के लिए कहते रहते हैं। ड्राइवर भ्रमित हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। कुंजी अपनी कल्पना का उपयोग करना और अपने लक्ष्य की कल्पना करना है। अंतिम परिणाम और वहां पहुंचने के मार्ग की कल्पना करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे अवसर और समाधान दिखने लगेंगे। यदि आप लगातार कल्पना करते रहेंगे तो आप प्रति देखेंगे। बाइबल सुझाव देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने चेतन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करके अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 8 अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। केवल यह कहना कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, अमीर बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि इस तरह की पुष्टि आपके दिमाग को धन आकर्षित करने पर केंद्रित करती है, उन्हें ऐसे विचार और योजनाएं भी उत्पन्न करनी चाहिए जो वास्तविक धन की ओर ले जा सकें।
यदि वे अवास्तविक लगते हैं या यदि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच कोई संघर्ष है, तो पुष्टि विफल हो सकती है। मैं सबसे अमीर हूँ कहने के बजाय पुष्टि करने का प्रयास करें, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता हूँ और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ। यह दृष्टिकोण आपको यह महसूस करने से बचने में मदद करता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना अधिक धन, सफलता और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आकर्षित करेंगे और बनाएंगे। अध्याय 9, अमीर बनने का आपका अधिकार। आपको अमीर बनने का अधिकार है। आप जीवन और इसके सभी अवसरों का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि हम में से कई लोग सुनते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, यह सच नहीं है। पैसा अपने आप में तटस्थ है, हम इसका कैसे उपयोग करते हैं इससे फर्क पड़ता है। जैसे बिजली का उपयोग भोजन पकाने या लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, वैसे ही पैसे का उपयोग अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। बहुत से लोग अपनी आय नहीं बढ़ाते क्योंकि वे खुद को केवल कर्मचारी के रूप में देखते हैं और नए अवसरों में निवेश नहीं करते। नतीजतन, उनकी आय स्थिर रहती है। अपनी आय बढ़ाने के लिए आपको केवल तनख्वाह कमाने से परे सोचना होगा और निवेश और विस्तार के तरीकों की तलाश करनी होगी। अध्याय 10, सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। सफल होने से शांति और खुशी मिलती है, जो आपको आपके पास मौजूद हर चीज के लिए आभारी बनाती है। जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए सफलता प्राप्त करने में अपने अवचेतन मन को अपना साथी बनाएं। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 3 चरण दिए गए हैं। 1, वह करें जो आपको पसंद हो। ऐसा काम खोजें जिसके बारे में आप भावुक हों। सफलता प्यार और समर्पण के साथ कुछ करने से मिलती है। भले ही आपको भुगतान न किया गया हो, अगर आप जो करते हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। 2, एक क्षेत्र में महारत हासिल करें। एक क्षेत्र चुनें और उसमें विशेषज्ञ बने। आपका क्षेत्र लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। 3, दूसरों की मदद करने पर ध्यान दें। वास्तव में सफल होने के लिए आपकी सफलता से दूसरों की भी मदद होनी चाहिए। सफल होना केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में योगदान देने के बारे में भी है। सफलता की कहानी लेखक टॉड नामक 16 वर्षीय लड़के की कहानी साझा करता है, जो संघर्ष कर रहा था और खुद को असफल महसूस कर रहा था। वह स्कूल छोड़ने की कगार पर था क्योंकि उसे लगता था कि वह दूसरों से कम बुद्धिमान है। लेखक ने टॉड को अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करना सिखाया। टॉड को सोने से पहले और जागने पर दोहराने के लिए एक प्रतिज्ञान दिया गया। मुझे पता है कि मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं। यह मुझे पढ़ी और सुनी गई हर चीज को याद रखने में मदद करता है। मेरी याददाश्त एकदम सही है और मेरा अवचेतन मन मुझे परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। मुझे अपने शिक्षक पसंद हैं और सभी छात्र मिलनसार हैं। कुछ महीने बाद टॉड ने लेखक को ईमेल किया, उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह एक बेहतरीन छात्र बन गया था और सभी के साथ उसका तालमेल अच्छा था। अध्याय 11, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बेंजीन की संरचना की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक, एक रसायनज्ञ, इसे समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन संघर्ष कर रहा था। वह अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानता था, इसलिए उसने खुद को मानसिक रूप से यह कहकर इस पर ध्यान केंद्रित किया, मैंने बेंजीन की संरचना की खोज की है और सभी रसायनज्ञ मुझे बधाई दे रहे हैं। एक दिन यात्रा करते समय उसने एक सांप का प्रतीक देखा जो अपनी पूंछ खा रहा था। इस छवि ने उसे यह समझने में मदद की कि बेंजीन की अंगूठी को एक समान चक्रीय संरचना द्वारा दर्शाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि अवचेतन मन विचारों, योजनाओं, स्वास्थ्य और सफलता में कैसे मदद कर सकता है। अध्याय 12, आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। हम अपने जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा सोने में बिताते हैं।
जब हमारा शरीर आराम करता है तो हमारा अवचेतन मन काम करना जारी रखता है और रात के दौरान हमें ठीक करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि हमारा चेतन मन शांत रहता है। नींद के एक रूप के रूप में प्रार्थना। पूरे दिन में हम 60,000 अलग अलग विचारों के बारे में सोचते हैं, जो बहुत सारी भावनाएं पैदा करते हैं। प्रार्थना हमें उच्च बुद्धि से जोड़ती है, ठीक उसी तरह जैसे सोने से हमारा अवचेतन मन काम करता है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके और उत्थानशील उद्धरण पढ़कर हम अपने भविष्य को आकार देते हैं और अपने अवचेतन मन के माध्यम से सफलता बनाते हैं। अध्याय 13, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन आपको सही जीवन साथी को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। यदि आप खुद को दुखी रिश्ते में पाते हैं तो यह इस बात के कारण हो सकता है कि आप अपने साथी में क्या चाहते हैं इस बारे में स्पष्ट नहीं है। अपनी इच्छित खूबियों को समझकर आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने आदर्श साथी को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते क्षणभंगुर हो सकते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में स्पष्ट होना और अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग करना आपको एक प्यार करने वाले और समझदार साथी की ओर ले जा सकता है। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। आप अपने अवचेतन मन की मदद से अपने जीवन में खुशी पा सकते हैं। कुंजी सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और इस बात से अवगत होना है कि आपकी आंतरिक और बाहरी दुनिया आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने रूप रंग के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो यह आपको बुरा महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप खुद की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो बदतर स्थिति में है, जैसे कि किसी के चेहरे पर एसिड फेंका गया हो, तो आप अपने रूप रंग के बारे में आभारी और खुश महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप बुरा महसूस करेंगे। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मन आपके रिश्तों को प्रभावित करता है। नकारात्मक विचार और शब्द कड़वाहट पैदा कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार और व्यवहार आपके रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। सम्मान और दयालुता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आपको उनके बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप बदले में सम्मान पाना चाहते हैं, तो दूसरों का सम्मान करें। नकारात्मक समाचारों से बचें। रोजाना नकारात्मक हेडलाइन पढ़ना आपके मूड और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी भलाई बनाए रखने के लिए ऐसी नकारात्मकता से बचने की कोशिश करें। सौहार्दपूर्ण संबंधों में प्रेम। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड का मानना था कि प्रेम, जिसमें समझ, विश्वास और सम्मान शामिल है, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जितना अधिक प्रेम आप देंगे, उतना ही अधिक आपको मिलेगा। यह विचार कर्म के नियम द्वारा भी समर्थित है। आप दूसरों को जो देते हैं वह आपके पास वापस आएगा। अध्याय 15, माफ करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। दूसरों को माफ करना आपकी अपनी खुशी के लिए जरूरी है। द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना आपके मन की शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां बताया गया है कि आप माफ करने और बेहतर महसूस करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण, जॉन, जो सोचता था कि हर कोई उसे नापसंद करता है, दुखी और बीमार हो गया क्योंकि उसने नकारात्मक विचारों को बनाए रखा। अगर उसने माफ करने और अपनी नाराजगी को दूर करने का विकल्प चुना होता तो उसे बेहतर महसूस होता। सबसे पहले खुद को माफ करें। किसी भी नकारात्मक आत्म निर्णय के लिए खुद को माफ करके शुरुआत करें। नकारात्मक आत्मछवि आपकी भलाई को प्रभावित करती है। माफी के लिए पुष्टि। अपने मन को शांत करें। आराम करने के लिए एक पल लें। पुष्टि दोहराएं, कहें, मैं सभी को शांति से और अच्छे दिल से माफ करता हूँ। मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करूँगा और वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अब मुझे अच्छा लग रहा है। इन पुष्टियों का उपयोग करने से आपको नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और शांति पाने में मदद मिल सकती है। अध्याय 16, आपका अवचेतन मन रुकावटों को कैसे दूर करता है।
हमारा अवचेतन मन पुरानी आदतों को बदलकर और नई आदतें बनाकर मानसिक रुकावटों को दूर करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। यहाँ बताया गया है कि आप पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप इस सरल सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। संकेत दिनचर्या पुरस्कार। एक संकेत, यह वह ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आमतौर पर अकेले या दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हैं, तो संकेत ऊब या तनाव महसूस करना हो सकता है। दो दिनचर्या, यह वह आदत है जिसका आप संकेत के बाद पालन करते हैं। इस उदाहरण में दिनचर्या सिगरेट पीना है। तीन पुरस्कार, यह वह है जो आपको आदत से मिलता है। धूम्रपान करने वालों के लिए पुरस्कार निकोटीन से राहत की भावना हो सकती है। आदत को तोड़ने के लिए दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें और एक अलग पुरस्कार खोजें जो स्वस्थ हो। उदाहरण के लिए, जब आप तनाव महसूस करते हैं तो धूम्रपान करने के बजाय आप टहलने जा सकते हैं या गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अध्याय 17, डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। आप अपने अवचेतन मन की मदद से डर पर काबू पा सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। एक छोटा बच्चा गलती से स्विमिंग पूल में गिरने के बाद पानी से डर गया था। उसकी माँ उसे मदद के लिए लेखक के पास ले गई। लेखक ने बच्चे को शांत होने, गहरी सांस लेने और खुद को तैरते हुए कल्पना करने की सलाह दी। पहले तो बच्चा डरा हुआ था, लेकिन कुछ बार अभ्यास करने के बाद वह अधिक सहज महसूस करने लगा। उसे पानी कम खतरनाक लगने लगा और आखिरकार उसने सिर्फ 2 महीने में तैरना सीख लिया। इसी तरह आप अपने अवचेतन प्रतिक्रिया को बदलने के लिए विजुअलाइजेशन और विश्राम तकनीकों का उपयोग करके किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। अध्याय 18, हमेशा जोश में कैसे रहें। आप सोच रहे होंगे कि हर समय सकारात्मक और ऊर्जावान कैसे बने रहें। हालांकि हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है, लेकिन हमारी आंतरिक आत्मा या अवचेतन मन स्थिर रहता है। युवा और जीवंत बने रहने के लिए इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन दोहराए। मैं हर दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरा शरीर अधिक चुस्त होता जा रहा है। आपके अवचेतन मन की शक्ति, पुस्तक समीक्षा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित आपके अवचेतन मन की शक्ति को पढ़ना आंखें खोलने वाला और परिवर्तनकारी दोनों था। डॉक्टर मर्फी हमारे अवचेतन मन की छिपी हुई क्षमता का पता लगाते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए इस शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं। पुस्तक में दिलचस्प कहानियां शामिल हैं जो दिखाती हैं कि हमारे अवचेतन मन का हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर कितना प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मर्फी सकारात्मक सोच और पुष्टि के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं, जिससे पाठकों को सफलता, खुशी और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद मिलती है। मैं इस विचार से चकित था कि हमारा अवचेतन मन एक छिपे हुए खजाने की तरह है, जो ज्ञान और शक्ति से भरा है, जिसका उपयोग करने की प्रतीक्षा है। डॉक्टर मर्फी द्वारा बताई गई तकनीकें सरल लेकिन प्रभावी हैं, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर आपके अवचेतन मन की शक्ति एक जीवन बदलने वाली किताब है, जो आपके जीवन के हर हिस्से को बेहतर बना सकती है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके आप सीमित विश्वासों पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल मिनट बुक पर ऐसे ही और भी शानदार वीडियो के लिए जुड़े रहें। आपके सुझाव और विचार हमें हमेशा अच्छे लगते हैं, तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद और नमस्ते।